बदलते भारत की शान। नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे खास कार्यक्रम सरकार आपके साथ में। मैं हूं अंचल सिंह। सरकार आपके साथ एक ऐसा कार्यक्रम है जिसमें हम सरकार की योजनाओं के बारे में विस्तृत जानकारी देते हैं। हम आपको बताते हैं कि कैसे इन योजनाओं से जुड़कर आप इससे लाभ ले सकते हैं। सरकारी योजनाओं के साथ साथ हम तकनीक से जुड़ी नई नई स्कीम्स के बारे में जानकारी देते हैं। पोर्टल और ऐप्स के बारे में भी आप तक विस्तृत जानकारी पहुँचती है। आज के कार्यक्रम में भी हम बात करने वाले हैं एक ऐसी ही स्कीम के बारे में जो कि विद्युत से जुड़ी हुई है, और इस स्कीम का नाम है RDSS यानी संशोधित वितरण क्षेत्र स्कीम, जो कि दुनिया की सबसे बड़ी विद्युत वितरण से जुड़ी हुई एक स्कीम है। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के कार्यक्रम की, और सबसे पहले हम आपको बताते हैं इस योजना के सार के बारे में। पुनरुत्थान वितरण क्षेत्र योजना की घोषणा 20 जुलाई 2022 को खुद प्रधानमंत्री ने की थी। उम्मीद की जा रही है कि इस योजना से विद्युत कंपनियों की परिचालन क्षमता में सुधार होगा और उनकी वित्तीय स्थिरता बेहतर होगी। योजना का उद्देश्य विश्वसनीयता में सुधार और वितरण बुनियादी ढांचे का आधुनिकीकरण है। जाहिर है, इसके लिए डिस्कॉम यानी वितरण कंपनियों को वित्तीय सहायता दी जाएगी। योजना के मुख्य रूप से दो भाग हैं। भाग ए के अंतर्गत प्रीपेड स्मार्ट मीटरिंग और सिस्टम मीटरिंग के लिए वित्तीय सहायता दी जा रही है और वितरण के बुनियादी ढांचे को बेहतर बनाया जा रहा है, जबकि भाग बी प्रशिक्षण और क्षमता निर्माण से जुड़ा है। योजना के जरिए 2024 और 25 तक देश भर में AT&C हानियों को 12-15% तक कम करना और ACS-ARR अंतर को शून्य तक ले जाना है। इसके लिए सभी डिस्कॉमों या विद्युत विभागों का प्रचालनात्मक क्षमता और वित्तीय स्थिरता में सुधार करना होगा। ये योजना निजी क्षेत्र की डिस्कॉम पर लागू नहीं है। पुनरुत्थान योजना वित्त वर्ष 2021-22 से 2025-26 तक यानी 5 साल के लिए है। इसके जरिए उपभोक्ताओं को विद्युत आपूर्ति की गुणवत्ता, विश्वसनीयता और दरों में सुधार किया जा रहा है। इन सुधारों पर 3,03,758 करोड़ रुपए का खर्च आना है। अच्छे परिणामों के लिए एकीकृत बिजली विकास योजना और दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना के साथ साथ तत्कालीन जम्मू और कश्मीर राज्य के लिए प्रधानमंत्री विकास पैकेज 2015 की योजनाओं को भी शामिल किया गया है। वितरण अवसंरचना से जुड़े कामों के लिए वित्तीय सहायता अभी दी जाएगी जब डिस्कॉम पूर्व निर्धारित मानदंडों को पूरा कर लेगी और आधारभूत न्यूनतम लक्ष्य भी प्राप्त कर लेगी। मूल्यांकन के जरिए ये पता लगाया जाएगा कि डिस्कॉम इन शर्तों को पूरा कर रही है या नहीं। मूल्यांकन के दौरान अगर किसी डिस्कॉम को 60% से कम अंक प्राप्त होते हैं तो वो वित्तीय सहायता के पात्र नहीं होगी। उम्मीद की जा रही है कि सार्वजनिक निजी साझेदारी यानी PPP मोड में लागू किए जाने वाले प्रीपेड स्मार्ट मीटरिंग के जरिए उपभोक्ताओं को नई ताकत मिलेगी। योजना के तहत विद्युत मीटर और दूसरे उपकरणों के माध्यम से उत्पन्न डेटा का विश्लेषण करने के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से मदद ली जा रही है। ऐसा करने से हर महीने खर्च होने वाली ऊर्जा का लेखा जोखा तैयार किया जा सकेगा। जाहिर है, इससे डिस्कॉम का नुकसान कम हो जाएगा और मांग का पूर्वानुमान भी। साथ ही दिन के समय टैरिफ, नवीकरणीय ऊर्जा एकीकरण और दूसरे भावी विश्लेषण के बारे में फैसले लेने में भी आसानी होगी। इस स्कीम में कृषि फीडरों को अलग करके किसानों के लिए विद्युत आपूर्ति में सुधार लाने की कोशिश होगी।
इसके अलावा कृषि फीडरों के सौरीकरण के लिए पीएम कुसुम योजना के माध्यम से उन्हें दिन के समय बिजली प्रदान करने पर ध्यान दिया जाएगा। पूर्वोत्तर के सभी राज्यों जम्मू कश्मीर, लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, अंडमान निकोबार द्वीप समूह और लक्षद्वीप को विशेष राज्यों की श्रेणी में रखा गया है। तो ये था योजना का सार, जिसमें आपने जाना संशोधित वितरण क्षेत्र स्कीम के बारे में विस्तार से। फिलहाल इसी के साथ ही यहाँ वक्त एक छोटे से ब्रेक का, लेकिन ब्रेक के बाद हम मुलाकात करेंगे विशेषज्ञ से। रोज सब्जी का स्वाद बढ़ाए और घर वालों का प्यार पाए, गोल्डी सब्जी मसाले जहां जाए रिश्ते बढ़ाए। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं हमारा विशेष कार्यक्रम सरकार आपके साथ, जिसमें आज हम जानकारी दे रहे हैं आपको संशोधित वितरण क्षेत्र स्कीम के बारे में। इसके बारे में और विस्तार से समझने के लिए आइए बात करते हैं विशेषज्ञ से। संशोधित वितरण क्षेत्र स्कीम के बारे में और विस्तार से जानते हैं राहुल द्विवेदी जी से, जो कि एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर हैं REC लिमिटेड में। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका सरकार आपके साथ में। जी, जैसे कि हम स्कीम के बारे में बात कर रहे हैं, इसके सार के बारे में हमने जाना, मुख्य रूप से इसका उद्देश्य क्या है और कैसे समझे इस पूरी स्कीम को आम लोगों की भाषा में? सबसे पहले तो जो RDSS स्कीम है, ये देश में जो भी सरकारी विद्युत वितरण कंपनीज हैं उनकी जो ऑपरेशनल एफिशिएंसी है और फाइनेंशियल स्टेबिलिटी है, इन दो के ऊपर ये केंद्रित है। और इसके अलावा जो तीसरा इसका जो एक उद्देश्य है कि उपभोक्ताओं तक किस तरीके से विश्वसनीय और गुणवत्तापूर्ण विद्युत की आपूर्ति हो सके, तो इन सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए ये स्कीम बनाई गई है। और इस स्कीम का जो दो सबसे महत्वपूर्ण जो उद्देश्य, जो आउटकम जो 2025-26 वित्तीय वर्ष तक जो हमें हासिल करना है, वो पहला है कि जो विद्युत वितरण कंपनियों का जो ATNC लॉस है वो 15% से कम हो जाए, और दूसरा है उनका जो ACS ARR गैप है वो शून्य तक पहुंच जाए। जी, जैसे आपने अभी ATNC की बात की, ये इसमें जैसे आपने बताया कि लॉसेस जो है वो 15% तक घटाने का लक्ष्य रखा गया है, तो ये सबसे पहले ये क्या है और इसकी भी क्या कोई हानियां है? क्या इसमें भी लॉस ऑफ एनर्जी यानी ऊर्जा की बर्बादी, इसमें भी क्या ऐसी बातें देखने को मिलती हैं? ATNC लॉस का मतलब ये हुआ कि एग्रीगेट टेक्निकल एंड कमर्शियल लॉसेस। जी, सो इसके जो दो घटक हैं, जैसा कि इस शब्द में ही है, एक टेक्निकल लॉसेस मतलब तकनीकी नुकसान और दूसरा है कमर्शियल लॉसेस मतलब वाणिज्यिक नुकसान। सो अभी तकनीकी नुकसान के बारे में अगर हम विचार करें, तो तकनीकी नुकसान कैसे होता है? जब भी विद्युत की आपूर्ति होती है, सो विद्युत जो है एक माध्यम के द्वारा प्रवाहित होती है। जी, जी। तो जब भी वो विद्युत उस माध्यम के द्वारा प्रवाहित होती है, तो नेचुरली जो है कुछ भौतिक नुकसान, जैसे हीट के द्वारा हुआ, तो वो होता ही होता है। तो ये एक काफ़ी सहज है कि जब भी विद्युत किसी माध्यम में प्रवाहित होगी तो उसका एक जो भौतिक नुकसान है वो होगा ही। इसके अलावा तकनीकी नुकसान के और क्या कारण हो सकते हैं कि जैसे अगर कोई फॉल्टी इक्विपमेंट है, कोई ख़राब उपकरण है जी, उसका अगर कोई कंज्यूमर उपभोक्ता इस्तेमाल कर रहा है उसकी वजह से नुकसान हो सकता है जी, जी। कोई फॉल्टी ट्रांसफार्मर है उसकी वजह से नुकसान हो सकता है, तकनीकी नुकसान हो सकता है। और इसके अलावा जब अवैध रूप से, जैसे हुकिंग के द्वारा जब लोग विद्युत इलीगल तरीके से लेने की, चोरी करने की कोशिश करते हैं, तो उसके द्वारा भी जो तकनीकी नुकसान है वो होता है। दूसरा जो इसका भाग है वो है वाणिज्यिक नुकसान का, कमर्शियल लॉसेस। कमर्शियल लॉसेस तब आते हैं जब विद्युत कंपनी जो विद्युत प्रवाहित कर रही है, जो कंज्यूमर को दे रही है, सप्लाई कर रही है कंज्यूमर को, उसको या तो बिलिंग नहीं कर पा रही है, और दूसरे केस में अगर बिलिंग करने के बाद वो उपभोक्ता से उसका राजस्व संग्रह नहीं कर पा रही है, तो ये सब मिलकर जो ATNC लॉसेज हैं उसको बनाते हैं। जी जी, बिल्कुल सर। जैसे मैं पढ़ रही थी स्कीम के बारे में, तो मुख्य रूप से इसके दो कंपोनेंट्स भी सामने आए, जिसमें मेट्रो के लिए वित्तीय सहायता देना और दूसरा कैपेसिटी बिल्डिंग यानी क्षमता निर्माण करना। ये क्या है, इसके बारे में समझाएं। अगर हम RDSS स्कीम की बात करें तो इस स्कीम के दो मेन कंपोनेंट हैं। तो पहला पार्ट है, ये है प्रीपेड मीटरिंग के लिए वित्तीय सहायता, और पहले पार्ट में ही आता है जो लॉस रिडक्शन है, मतलब जो विद्युत का नुकसान है उसको कम करने के लिए उन
किस तरीके से हम नए नए इंफ्रास्ट्रक्चर लगा के विद्युत के नुकसान को कम किया जाए, ये पहले पार्ट में आता है, पहले भाग में आता है। दूसरे भाग में आता है क्षमता का वृद्धिकरण करना, कैपेसिटी बिल्डिंग। तो इसके लिए जो नई नई जो तकनीक जो आज की तारीख में सामने आ रही हैं, उसके बारे में जो विद्युत विभाग में काम करने वाले लोग हैं, अधिकारी हैं, कर्मचारी हैं, उनको कैसे इसके बारे में बताया जाए और उनको कैसे ट्रेनिंग दी जाए। तो ये सारा जो एक दो भाग है, भाग एक और भाग दो, ये इस स्कीम का महत्व का भाग है। ये जो स्कीम है इससे क्या क्या बदलाव होने वाला है? तो इसमें सबसे पहले अगर हम प्रीपेड स्मार्ट मीटरिंग की बात करें, क्योंकि ये इस स्कीम का एक बहुत ही महत्वपूर्ण घटक है जी। तो प्रीपेड स्मार्ट मीटरिंग, सबसे पहले हम देखें कि जो शुरुआती चरण है इस स्कीम का, प्रीपेड स्मार्ट मीटरिंग ऐसे भागों में लगाया जाएगा जहाँ पे जो विद्युत का नुकसान है, एटीएनसी लॉसेज, जिसके बारे में अभी हमने चर्चा की, जो एटीएनसी लॉसेज हैं वो 15% से ज़्यादा हैं जी। जो हमारे अमृत शहर हैं वहाँ पे लगाना है। उसके बाद जो हमारे जो औद्योगिक और वाणिज्यिक जो क्लस्टर हैं वहाँ पे लगाना है। इसके अलावा जो ब्लॉक और उसके ऊपर के लेवल के जो सरकारी कार्यालय हैं वहाँ पे हमको स्मार्ट मीटरिंग लगाना है। और इसके अलावा जो भिन्न भिन्न राज्य हैं या विद्युत वितरण कंपनीज हैं, उनको ऐसा लगे कि कुछ ऐसे क्षेत्र जिनको विशेष तरीके से इस स्कीम के माध्यम के द्वारा पहले चरण में कवर किया जा सके, ऐसी जगह पे हमको प्रीपेड मीटरिंग लगाना है। कुल मिलाकर अगर से हम समझे तो डिस्ट्रीब्यूशन को और दुरुस्त करने का एक जी प्रयास, वितरण क्षेत्र को दुरुस्त करने का एक प्रयास है प्रीपेड मीटरिंग के द्वारा। उसके बाद फिर दूसरा, इसमें जो मैंने लॉस रिडक्शन के बारे में बोला, जो कि पहले भाग का ही एक हिस्सा है, इसके द्वारा जो अलग अलग जो इंफ्रास्ट्रक्चर में इम्प्रूवमेंट किए जाने वाले हैं, जैसे डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर लगाना, या फिर जो आपकी एबी केबलिंग है उसको लगाना, उसके बाद फिर कंडक्टर्स लगाना, इंसुलेटर्स लगाना, मतलब जो भी आपकी पुरानी जो जीर्ण जो आपके इंफ्रास्ट्रक्चर हो चुके हैं विद्युत वितरण में, उसको किस तरीके से उसका नवीनीकरण किया जाए और उसको किस तरीके से मजबूत किया जाए, ये इस स्कीम के अंतर्गत होने वाला है। ठीक है सर, अगर हम उपभोक्ता के नज़रिए से देखें, क्योंकि जैसे हम ये बात कर रहे हैं कि ये बेसिकली वितरण से जुड़ी हुई स्कीम है, जो डिस्ट्रीब्यूशन होता है विद्युत का, इलेक्ट्रिसिटी का, जो कि सबसे चैलेंजिंग एक जो कंपोनेंट है या फिर जो तीन भाग होते हैं उसमें, इसमें उपभोक्ता को किस तरह का लाभ होगा? इस स्कीम का जो केंद्र बिंदु है वो उपभोक्ता ही है। हम सभी को पता है कि उपभोक्ता को जो बिजली मिलती है वो विद्युत वितरण कंपनियों के माध्यम से ही जी, मिलती जी, है बिल्कुल। अब अगर हम विद्युत वितरण कंपनियों का मजबूतीकरण इस स्कीम्स के माध्यम से करेंगे तो नेचुरली जो विद्युत वितरण कंपनियों को जो फ़ायदा होगा जी, वो फ़ायदा जो एंड यूजर जो कि उपभोक्ता है उसकी तरफ वो पास ऑन करेंगे। तो इसकी वजह से जो एक टैरिफ है, टैरिफ में उपभोक्ताओं को फ़ायदा मिल सकता है। इसके अलावा प्रीपेड स्मार्ट मीटरिंग के माध्यम से जो विद्युत वितरण कंपनियों की जो ऑपरेशनल एफिशिएंसी बढ़ने वाली है, उनका एटीएनसी लॉस कम होने वाला है, उनका एसीएस एआर गैप जीरो तक आने वाला है, तो इसके द्वारा जो उनको जो वित्तीय फ़ायदा होगा विद्युत वितरण कंपनियों को, उसका भी अल्टीमेटली जो फ़ायदा होने वाला है वो उपभोक्ता को होने वाला है। नवीन नवीन टेक्नोलॉजीज़ के माध्यम से जो भी विद्युत क्षेत्र में जो नए नए बदल आ रहे हैं, उसका एक मैं उदाहरण देना चाहूँगा टाइम ऑफ डे टैरिफ का, मतलब दिन में जो समय है, 24 घंटे में जो समय है, दिन है या रात है या सुबह है, उसके हिसाब से अलग अलग टैरिफ, कितना बिजली का कितना जो है उपयोग उपभोक्ता कर रहा है, उसके हिसाब से एक फ्लेक्सिबल टैरिफ जो स्ट्रक्चर है वो भी लाया जा सकता है। क्योंकि हम प्रीपेड मीटर के माध्यम से हम ये पता कर सकते हैं कि कौन सा उपभोक्ता वो कितना विद्युत है उसका जो उपभोग है वो कर रहा है, तो इन सब चीज़ों का आकलन करके हम जो टाइम ऑफ डे टैरिफ है उसको भी ला सकते हैं। तो देखा जाए तो कुल मिला के इस जो स्कीम है इसका जो केंद्र बिंदु है वो उपभोक्ता ही है जी। सर कुछ एक चीज़ें और मैंने स्कीम से जुड़ी पढ़ी कि डिस्कॉम के लिए कम से कम 60% का स्कोर होना चाहिए, तो थोड़ा सा ये समझाएं कि क्या है और क्या है 60% का स्कोर। RDSS स्कीम एक ऐसी स्कीम है जो विद्युत वितरण कंपनियों का जो परफॉर्मेंस है इस स्कीम के इम्प्लीमेंटेशन में जी जी, उस पर जो फंड डिस्ट्रीब्यूशन है वो निर्भर करने वाला है। ठीक है, तो फंड डिस्ट्रीब्यूशन के मापदंड क्या होने वाले हैं? इसमें दो चीज़ें हैं। पहला है प्री क्वालिफिकेशन क्राइटेरिया। प्री क्वालिफिकेशन क्राइटेरिया में 8 पैरामीटर हैं जिसको सारे डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज को हर वित्तीय वर्ष में
वो संतुष्ट करना पड़ेगा। और इसका दूसरा भाग है रिजल्ट इवेल्युएशन मैट्रिक्स। रिजल्ट इवेल्युएशन मैट्रिक्स में कुछ कंपोनेंट हैं, उस कंपोनेंट्स में जो डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज हैं वो खुद से हर वित्तीय वर्ष में उनको कितना टारगेट अचीव करना है जी। वो अपने DPR में रखेंगी। उस DPR के अप्रूवल के बाद वो डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज उस टारगेट को अचीव करेंगी, और अगर वो टारगेट अचीव करती हैं तो उसके आधार पर उनका मूल्यांकन होगा जी। और वो मूल्यांकन अगर 60% से ज़्यादा होता है तभी वो जो फंड है जो फंड मिलेगा जी, जी। उसके लिए वो पात्र होंगे जी। बिल्कुल। अब सर जी, क्योंकि हम नई तकनीक की बात कर रहे हैं और जब हम विद्युत की बात करते हैं तो सीधे तौर पर हम विकास की राह पर तभी बढ़ सकते हैं जब हमारे यहाँ विद्युत आपूर्ति अच्छी हो, और इसके लिए आप बता रहे हैं किस तरह की स्कीम्स भी चलाई जा रही हैं, और आज के समय में किसी तरह का लीकेज ना हो, यहाँ AI का भी, इंटरनेट ऑफ थिंग्स का भी काफ़ी इस्तेमाल हो रहा है, तो क्या इस तकनीक में भी या फिर इस पूरे सिस्टम को दुरुस्त करने के लिए और ज़्यादा इससे लाभ लेने के AI का इस्तेमाल भी हो रहा है इसमें जी? RDSS में जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है उसका काफ़ी ज़्यादा व्यापक तरीके से इस्तेमाल किया जाएगा। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इसके माध्यम से, और इसके अलावा जो स्काडा सिस्टम है इसके माध्यम से, नेशनल फीडर मॉनिटरिंग सिस्टम इसके माध्यम से, एक पूरी तरीके से एक सुसज्जित जो एक इंफ्रास्ट्रक्चर है जी, जी। वो इसमें खड़ा करने का प्रावधान है। अगर हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बात करें तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का जो यूज़ है वो कहाँ पे हो सकता है? जैसे अगर हम प्रीपेड स्मार्ट मीटरिंग की बात करें तो प्रीपेड स्मार्ट मीटरिंग के माध्यम से जो एक उस विद्युत वितरण कंपनी के क्षेत्र में होने वाला जो विद्युत का जो व्यय है, अपव्यय है या उपयोग है, वो सारा डेटा जो है, जो मीटर डेटा मैनेजमेंट सिस्टम है उसमें सारा का सारा डेटा स्टोर होने वाला है जी, जी। और वो डेटा इतना व्यापक होगा कि उसके माध्यम से आप कंज्यूमर का जो कंजम्पशन प्रोफाइल है जी। वो किस 24 घंटे में, किस समय, किस कालावधि में वो किस तरीके से बिजली का उपयोग करता है जी। उसके बारे में कंज्यूमर को तो पता चलेगा ही, इसके साथ ही साथ जो विद्युत वितरण कंपनी है उसको भी पता चलेगा जी, जी। इसके अलावा मीटर में किस समय कोई ख़राबी चल रही है, मीटर बंद है, कंज्यूमर ने जो बिजली का बिल है वो पे किया है कि नहीं किया है, और उसका बिजली का बिल पे करने के बाद, अगर हम प्रीपेड मीटर की बात करें तो प्रीपेड मीटर में कंज्यूमर पहले बिजली का बिल पे करेगा और उसके बाद ही उसको विद्युत की आपूर्ति की जाएगी जी, जी। तो अगर उसने बिजली का बिल पे किया है तो उसकी विद्युत की आपूर्ति अबाधित चल रही है कि नहीं चल रही है, अगर उसने नहीं किया है तो उसका डिस्कनेक्शन हुआ है कि नहीं हुआ है जी। और उसके बाद फिर उसने रीपेमेंट किया है तो फिर से रीकनेक्शन हुआ है कि नहीं हुआ है, ये सारी चीज़ें अगर हम देखें तो मीटर डेटा मैनेजमेंट सिस्टम के माध्यम से जो पूरा एक कंजम्पशन प्रोफाइल है पूरे विद्युत वितरण कंपनी के क्षेत्र में, ये सारा का सारा विद्युत वितरण कंपनी को देखने को मिलेगा, और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के माध्यम से उसकी एनालिसिस करके और भी अच्छी जो विद्युत व्यवस्था है वो दे सकेंगे। कंज्यूमर भी ऐप के माध्यम से वो डेली अपना ट्रैक कर पाएगा कि वो कितना बिजली जो है उपयोग कर रहा है, उसका प्रीपेड बैलेंस कितना बाकी है, और उसका जो एक प्रोफाइल है कंजम्पशन प्रोफाइल वो उसको जो है उस ऐप के माध्यम से मिलेगा। बल्कि उपभोक्ता भी कुछ बदलाव कर सकता है अगर उसे जब पता चलेगा कि शायद वो सही तरीके से नहीं इस्तेमाल कर रहा है बिल्कुल, तो बदलाव कर सकता जी। अब सर, इस स्कीम में हमने देखा है कि पूर्वोत्तर के राज्य है, जो पहाड़ी राज्य अंडमान निकोबार द्वीप समूह है या फिर लक्षद्वीप है, उन्हें एक विशेष श्रेणी में रखा गया है, इसका क्या अर्थ हुआ? क्या इससे विकास में और लाभ होगा या फिर इस विशेष श्रेणी के अंतर्गत कुछ खास बातें हैं जी? पूर्वोत्तर राज्य और जो आपके पहाड़ी राज्य जी, और इसके अलावा अंडमान निकोबार और लक्षद्वीप जो संघ शासित राज्य हैं जी, इन सभी में जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का जो कंट्रीब्यूशन रहने वाला है ग्रांट में, वो लॉस रिडक्शन जो इंफ्रास्ट्रक्चर के काम है उसमें जो है 60% की जगह 90% होगा, और जो प्रीपेड स्मार्ट मीटरिंग का जो काम है उसमें जो यूजुअली जो राज्य हैं जिनको 900 रुपये तक जो केंद्र की तरफ से जो सहायता मिलेगी वो 900 रुपये ना होकर इन राज्यों के लिए 1350 रुपये प्रति मीटर दिया जाएगा जी। अभी तक सर स्कीम के अंतर्गत किस तरह की प्रगति देख रहे हैं, क्योंकि अभी कुछ वर्ष इसमें बाकी हैं, प्रगति किस तरह की देखने को मिल रही है? इस स्कीम का अगर हम इम्प्लीमेंटेशन देखें तो इस स्कीम की जो एक ओवरऑल जो निगरानी है जी, वो मॉनिटरिंग कमेटी के माध्यम से होती है, जो कि एक अंतर मंत्रालयीन एक कमेटी है जी, जी। और इसमें अलग अलग मंत्रालय के लोग बैठते हैं और स्कीम की जो निगरानी करते हैं, हर महीने कम से कम एक मीटिंग जो
ये निगरानी समिति है, मॉनिटरिंग कमेटी है, इसकी मीटिंग होती है और अब तक इसकी 25 मीटिंग्स हो चुकी हैं जी। और जो भी राज्य हैं अपना जो डिटेल्ड जो प्रोजेक्ट रिपोर्ट है DPR है उसको मॉनिटरिंग कमेटी के सामने रखते हैं एक्शन प्लान के साथ, और मॉनिटरिंग कमेटी उसको मंजूरी देने के बाद फिर जो राज्य हैं अपनी जो विद्युत वितरण कंपनीज हैं उसके माध्यम से इस स्कीम की इम्प्लीमेंटेशन करते हैं जी। सो अगर हम प्रीपेड स्मार्ट मीटर की बात करें तो 20 करोड़ से ज़्यादा स्मार्ट मीटर अब तक इस स्कीम में सैंक्शन हो चुके हैं जी। जो एक ओवरऑल जो हमारा लक्ष्य है वो 25 करोड़ का है, तो लगभग हमने स्मार्ट मीटर का जो टारगेट है मंजूरी का वो इस स्कीम में हमने लगभग पूरा कर लिया है, लगभग 80% से ज़्यादा हमने पूरा कर लिया है। अगर हम लॉस रिडक्शन के कामों की बात करें, इंफ्रास्ट्रक्चर के कामों की, तो 1.25 लाख करोड़ से ज़्यादा के जो काम है इंफ्रास्ट्रक्चर को मंजूर किए जा चुके हैं। स्मार्ट मीटर के कामों की अगर हम बात करें तो लगभग 1,30,000 करोड़ के स्मार्ट मीटर के काम अब तक जो इसमें मंजूर किए जा चुके हैं, मतलब 2.5 लाख करोड़ से ज़्यादा के जो काम हैं वो अब तक इस स्कीम में मंजूर किए जा चुके हैं। और अगर हम राज्यों की जो इम्प्लीमेंटेशन की बात करें तो 70% जो लॉस रिडक्शन के काम थे उनके जो कार्यों का जो आवंटन है वो राज्यों ने कर दिया है। और अगर हम प्रीपेड स्मार्ट मीटर की बात करें तो कुछ ऐसे राज्य हैं जैसे आसाम है, बिहार है, मध्य प्रदेश है और जम्मू कश्मीर है, उन्होंने जो स्मार्ट मीटर का काम है, प्रीपेड स्मार्ट मीटर का काम है, वो काफ़ी अच्छी तरीके से शुरू कर दिया है। और अब तक हमारे देश में 20 लाख से ज़्यादा स्मार्ट मीटर, प्रीपेड स्मार्ट मीटर आज की डेट में कार्यान्वित हैं और वो काम कर रहे हैं जी। बिल्कुल, यानी काफ़ी अच्छी प्रगति के साथ हम स्कीम को बढ़ते हुए देख रहे हैं। सर, अंत में कुछ और बातें जो आप इस स्कीम से जुड़ी बताना चाहेंगे? इसमें कुछ एक ऐसे प्रोविजंस हैं, जैसे अगर हम बात करें फीडर सेग्रीगेशन की बात करें तो इस स्कीम में जो फीडर सेग्रीगेशन है उसको एक काफ़ी महत्व दिया गया है। फीडर सेग्रीगेशन जरूरी इसलिए है क्योंकि जो मिक्स्ड फीडर में जो एग्रीकल्चर फीडर हैं और बाकी जो आपके अलग टाइप के जो कंज्यूमर्स होते हैं उसमें वो सम्मिलित रहते हैं, तो गवर्नमेंट जो एग्रीकल्चर जो कंज्यूमर्स उनको जो सब्सिडी देती है उसका आकलन ठीक से नहीं हो पाता है, तो इसीलिए एग्रीकल्चर फीडर्स को अलग करने का इसमें प्रावधान है। और एग्रीकल्चर फीडर्स को अलग करने के बाद उनका सोलराइजेशन जी, एक कन्वर्जेंस PM कुसुम स्कीम है, उस स्कीम के द्वारा कन्वर्जेंस, एक कन्वर्जेंस के माध्यम से उन एग्रीकल्चर फीडर्स का सोलराइजेशन किया जाएगा जिससे कि विद्युत की बचत होगी और जो एग्रीकल्चर जो कंज्यूमर्स हैं उनको फ़ायदा होगा। इसके अलावा इसमें एक नेशनल फीडर मॉनिटरिंग सिस्टम है। नेशनल फीडर मॉनिटरिंग सिस्टम एक ऑल इंडिया लेवल का एक फीडर मॉनिटरिंग सिस्टम होगा जिसके द्वारा हम फीडर लेवल पे विद्युत आपूर्ति किस तरीके से हो रही है उसका पूरा आकलन, आउटेज और उसकी एनालिसिस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के माध्यम से वो सब हम करेंगे। और इसके अलावा जैसे मैंने पहले भी बताया कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इसमें एक बहुत ही महत्वपूर्ण रोल होने वाला है, और जिस तरीके से सारे राज्य एक साथ मिल के इस स्कीम का इम्प्लीमेंटेशन कर रहे हैं ये निश्चित तौर पर ये स्कीम जो है अपने जो कालावधि है उसमें सफल रहेगी। बहुत बहुत शुक्रिया सर बातचीत के लिए और इस पूरी स्कीम के बारे में इतनी विस्तृत जानकारी देने के लिए, बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। तो ये था हमारा आज का सरकार आपके साथ, जिसमें हमने जाना संशोधित वितरण क्षेत्र स्कीम के बारे में। अगर आपके कोई सुझाव है, फीडबैक है या फिर आप चाहते हैं किसी स्कीम को लेकर हम सरकार आपके साथ आपके लिए लेकर आएं, तो आप हमें ईमेल कर सकते हैं। हमारा ईमेल आईडी नोट कर लें, sarkaraapkesaath@gmail.com। आप फेसबुक के माध्यम से भी हमें संपर्क कर सकते हैं। फेसबुक में जाएँ, सर्च बॉक्स में टाइप करें सरकार आपके साथ, हमारा पेज खुल जाएगा। फेसबुक पर भी आप अपने सुझाव सवाल हम तक पहुंचा सकते हैं। आप हमारे टोल फ्री नंबर पर भी कॉल कर सकते हैं। हमारा कॉल सेंटर नंबर है 1800-113060। सोमवार से शनिवार सुबह 6 बजे से रात 10 बजे के बीच में आप कॉल करें और अपने सवाल रिकॉर्ड करें जिन्हें हम कार्यक्रम में शामिल करेंगे। आशा करते हैं कि आज का सरकार आपके साथ आपको ज़रूर पसंद आया होगा। फिलहाल दीजिए इजाज़त, लेकिन आप बने रहें दूरदर्शन किसान के साथ। नमस्कार।